डेली HD न्यूज। नारी तो नारायणी का संदेश देने वाले परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में चलाए जा रहे महिला उत्थान मंडल इंदौर द्वारा विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशाल सांस्कृतिक रक्षा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा आश्रम से शुरू होकर भंवर कुआं टावर चौराहा से होती हुई कलेक्टर कार्यालय पर समाप्त हुई। यात्रा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने हिंदू संत श्री आशाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर महिला उत्थान मंडल इंदौर की रश्मि चतुर्वेदी, अंजू बुलानी, किरण सहारे, मनोरमा सोलंकी, नूतन सिंह, बैजंती मिश्रा आदि ने बताया कि पास्को एक्ट का दुरुपयोग करके हिंदू संत श्री आशाराम जी बापू को झूठे केस में फंसाया गया है। इतना ही नहीं, 85 वर्ष के बीमार संत को 9 वर्ष में ना तो एक दिन की बेल मिली है, ना ही एक दिन की कभी पैरोल भी दी गई है। वहीं दूसरी ओर कई नेताओं, अभिनेताओं व आतंकवादियों को बेल दी गई है। यहां तक कि रेप केस मामले में कईयों को बेल दी गई है और बाद में उन्हें बरी कर दिया गया, मगर हिंदू संत के खिलाफ कोई भी सबूत न होने के बावजूद उन्हें बरी तो दूर की बात, आज तक एक दिन की बेल तक नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि ये कैसा भारत का कानून है। नेताओं अभिनेताओं के लिए भारत का कानून अलग और हिंदू संत के लिए कानून अलग। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार व राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि हिंदू संत को शीघ्र अतिशीघ्र रिहा किया जाए। उन्होंने बताया कि पूज्य बापूजी को बदनाम करने के लिए ये प्रचार किया गया है कि बापूजी का केस बलात्कार का केस है, मगर ये पूरी तरह से झूठ है। जो कलेक्टर कार्यालय में आए, हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो बड़ी संख्या में महिला है जो बापू जी से आश्रम में, क्या कहना चाहेंगे? क्या हम यही कहना चाहेंगे कि आज 9 साल हो गए हमारे बापू जी को, जबकि वो निर्दोष है। आज तक कोई सबूत उनके मतलब ने खिलाफ नहीं मिला है, उसके बावजूद भी जो अत्याचार हो रहा है हिंदू संत के ऊपर और जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया है, आज उसी का दुरुपयोग हो रहा है। महिला के लिए सुरक्षा नहीं, ये तो महिलाओं के लिए बड़ा एक बाउंडर खड़ा हो गया भाई। आज 9 साल से करोड़ों महिलाएं खून के आंसू रो रही है एक बापूजी के लिए, बाकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन न्यायालय किसी ने कोई नहीं सुनी, हम कितनी गुहार लगा रहे हैं। ये बैनर पे हम देख रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं साजिश हुई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की साजिश हुई है? साजिश तो हुई, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है ये, उसमें सभी शामिल है, नए नेता, राजनेता, मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया है और जो ये अपने जो धर्मांतरण वाले हैं, धर्मांतरण जो जिनकी जो ये विदेश से जो चीज वस्तुएं आती हैं, ये सारी किसके नाम पर ज्ञापन दिया यहाँ पर, किसके नाम पर? कलेक्टर के चाहेंगे। हमारी तो एक ही मांग है कि हमारे बापू निर्दोष हैं और उनको रिहा किया जाए। 9 वर्षों से निर्दोष 85 वर्षीय बीमार वृद्ध संत को, जिन्होंने देश को इतना दिया, समाज को दिया है, वो सबको पता है, ऐसा नहीं कोई नहीं जानता है। हमारे बापू को इतना मिला है और आज बापू को क्या मिला? पिछले 57 वर्षों से पूज्य बापू जी समाज के सेवा कार्य में संलग्न हैं। उनके द्वारा जो सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं ना, उनको अगर आप उसका हिसाब देखिए तो 100-100 NGO और 100-100 सरकारें मिलकर 100-100 साल तक उसकी भरपाई नहीं कर सकते, उस लेवल तक का सेवा कार्य नहीं कर सकते। पूज्य बापू जी ने कुरूतियों के और बुराइयों की जड़ों पर प्रहार किया है। आप जरा सेवा कार्यों का आप एक बार एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि पूज्य बापू जी है क्या। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम महिलाओं की ये पीड़ा है कि हमारे पूज्य गुरुदेव को एक झूठे और बेबुनियाद आरोप में फंसा करके पिछले 9 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बीच में कोरोना आता है, पूज्य बापू जी कोरोना से पॉजिटिव हो जाते हैं, कितनी सारी बीमारियों से वह घिरे हुए हैं, एक दिन की बेल नहीं दी जाती है। क्या कानून है, क्या सरकार है और क्या मीडिया है, किस दिशा में ये केस जा रहा है, कभी मीडिया उसको दिखाने की जहमत नहीं उठाती है। कोई भी उनके उनके फेवर में और सच्चाई को रखने की आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं रख पाता है। तो ये सरकार को, न्याय व्यवस्था को, ये हमारा संदेश है, ये हमारी प्रार्थना है, ये विनती है, निवेदन है, आप जो भी समझिए कि हम दो बातें यहाँ पर रखने आए हैं। एक, ये जो पॉक्सो कानून बना करके बापूजी को फंसाया गया है, ये बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण कानून है। एक 18 साल से कम उम्र की लड़की बोलती है कि इसने मुझे छू दिया, और आप उस व्यक्ति को, उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को, आप उसका बैकग्राउंड देखे बिना उठा करके जेल में रख देते हो। और आप बताएं सर, आज आप लोग कलेक्टर ऑफिस में जो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना है, क्या किस उद्देश्य को लेकर ज्ञापन देना है? आज 8 मार्च को महिला विश्व दिवस है, इसके लिए आज बापूजी 9 वर्ष से जेल मंदिर में है, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आज एक लड़की ने बापूजी के लिए बोला है, उसके लिए बापूजी को इतनी बड़ी सज़ा सुना दी गई,
आज जो इतनी बहनें बापूजी के पक्ष में खड़ी है, इनकी आज कौन सुन रहा है? क्या हिंदुस्तान में कानून अंधा हो गया है या कोई समझ में नहीं आ रहा है या किस तरह से वो चाह रहे हैं? सरकार क्यों नहीं देख रही इन चीज़ों को? बाकी आज राम रहीम को देखो, आज उनको पैरोल दी गई है, अब किस लिए दी गई आज सब आप लोग समझते हैं। और बापूजी के देवी कार्यों को देखो तो आज बापूजी ने कितनी महिलाओं को संस्कार दिए, आज उनके सानिध्य में कितनी महिलाएं उन्नत हो रही है, कितने कितने बाल संस्कार उनके सानिध्य में चल रहे हैं, कितने बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं, ये कौन दे रहा है? आज बापूजी बाहर होते तो आज कितने लोगों को लाभ मिलता है?